पिछले कक्षा में हमने आपको अपराधी के अपराध शास्त्र के अंतर्गत अपराधियों की कैटेगरी में सफेदपोश अपराध पर हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको चर्चा किया था सफेदपोश अपराध भारत में किस तरह से भारतीय समाज, भारतीय विधि व्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने पद, प्रतिष्ठा और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समाज में कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिस पर समाज के सामान्य लोग उंगली नहीं उठाते हैं, उसके पीछे कारण है कि उनकी पदी हैसियत, पदी स्थिति। सफेदपोश अपराध से तात्पर्य जैसे प्रतिष्ठित एवं उच्च सम्मानित पद पर पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के समय किया गया अपराध सफेदपोश अपराध है। सफेदपोश अपराध से तात्पर्य उच्च प्रतिष्ठित प्रतिष्ठावान व्यक्तियों द्वारा अपने प्रतिष्ठा की आड़ में किया गया कानून का उल्लंघन सफेदपोश अपराध है। सफेदपोश अपराध जैसा कि आप देखते हैं यह एक प्रकार से आर्थिक अपराध होता है। सफेदपोश अपराध आर्थिक अपराध है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है सफेदपोश अपराध। सफेदपोश अपराध के कारण हैं, हम देखते हैं स्वार्थवादिता बढ़ रही है, परस्पर व्यक्ति एक दूसरे के देख करके अपने को रातों रात बड़ा आदमी, बड़ा धनी आदि बनना चाहता है और अपने पदी एवं दायित्वों के निर्वहन में वह ईमानदारी से कार्य न करके गलत तरीके से धन का अर्जन करता है, वो सफेदपोश अपराधी है। न्यायिक पक्षपात भी किसी न किसी रूप में सफेदपोश अपराध को बढ़ावा दे रहा है। बड़े बड़े आपराधिक वृत्त के लोग जो आर्थिक अपराध करते हैं वहाँ भी न्यायपालिका में भी सफेदपोश अपराध अपराधी धीरे धीरे उपस्थित पहुँच गए हैं। विधि व्यवसाय में सफेदपोश अपराधी जज साहब बैठे हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके आड़ में, उनके सानिध्य में आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों को धन देकर या अन्य किसी साधन, अन्य किसी व्यवस्था से उनको छोड़ा जाना, उनको अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाना, ये सफेदपोश अपराध है। कानून की जटिलता, देश का कानून, भारत का कानून इतना जटिल है कि अपराध को साबित करना आसान नहीं है। अपराध कानून की जटिलता सफेदपोश अपराध का कारण बन रही है। कानून में इतनी पेचीदियां हैं, साक्ष्य है, साक्ष्य के बाद जो है उसको प्रूफ करना है, साक्ष्य को न्यायालय में प्रूफ करना है और किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाया जाएगा जब तक न्यायालय उसके विरुद्ध साक्ष्य को प्रूफ न कर ले। तो कानून की पेचीदगी, कानून की जो जटिलता है वो भी अपराध में, जो सफेदपोश अपराध है उस सफेदपोश अपराध को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। हम देखते हैं सफेदपोश अपराधों में राजनीतिज्ञों द्वारा
जनता की सहानुभूति, पूंजीवादी व्यवस्था, राजनीतियों की सहभागिता, ये तमाम कारण हैं जो सफेदपोश अपराध के कारण बन रहे हैं। सफेदपोश अपराध के नियंत्रण के लिए भारतीय संसद द्वारा कई ठोस कानून का आवश्यकता है, जैसे अपराधी विध में कपट, बेईमानी, टैक्स चोरी, एकाधिकार की प्रवृत्तियां या अन्य कठोर दंड होना चाहिए। टैक्स चोरी भी सफेदपोश अपराध का महत्वपूर्ण कारण है। धन का अर्जन और उस धन पर जो सरकारी टैक्स है उसको न देना भी सफेदपोश अपराध होता है। सफेदपोश अपराध धार्मिक क्षेत्रों में भी ज़्यादा देखा गया है। सरकारी अधिकारियों द्वारा सफेदपोश अपराध मुख्य रूप से देखा गया, राजनीतियों द्वारा, व्यवसायियों द्वारा। व्यवसाय के अंतर्गत हम विधि व्यवसाय की बात करते हैं तो विधि व्यवसाय में भी सफेदपोश अपराध ही फल फूल रहे हैं। विधि व्यवसाय के क्षेत्रों में सफेदपोश अपराध का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में सफेदपोश अपराधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा के क्षेत्रों में सफेदपोश अपराधी काफ़ी रूप से अपना फल फूल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। परीक्षा में नकल कराना, नकल से पास करना, यह भी सफेदपोश अपराध है। इस तरह से व्यवस्था के विपरीत कार्य करके धन का अर्जन करना सफेदपोश अपराध कहा जाता है। सफेदपोश अपराध एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक अपराध है, जिसके रोकथाम के लिए भारत में भारतीय संसद द्वारा समय समय पर कानून बनाए गए हैं, जिसमें है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, अनैतिक व्यापार अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1954, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। और इसके बाद हम देखते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, औषधि पदार्थ अधिनियम 1985, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1963, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, आयकर अधिनियम 1961, धन कर अधिनियम 1957, दान कर अधिनियम 1958। आदि तरह से भारतीय संसद ने कानून बनाया, लेकिन कानून में इतनी पेचीदियां हैं कि उसके आड़ में बड़े बड़े अपराधी निकल जाते हैं। जब बड़े बड़े अपराधी निकल जाते हैं तो ये सफेदपोश अपराध का मुख्य रूप से जो कानून भारत के जो संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, क्रियान्वयन उसका नहीं हो पाता है। उसी के कारण सफेदपोश अपराध में बेतहाशा वृद्धि हो रही। सफेदपोश अपराधियों में सफेदपोश सामाजिक आर्थिक अपराध के विधिक स्वरूपों में हम देखते हैं ये औषधि, खाद्य पदार्थ अपमिश्रण आदि में सफेदपोश अपराधी का बड़ा योगदान है। औषधि, बड़ी बड़ी ड्रग्स दवाइयां हैं, दवाइयों को फर नकली लेबल लगा करके बेचते रहे हैं, और खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें मिलावट करना उच्च प्रतिष्ठित हैं, उन पर अंगुली नहीं उठेगी, वो भी सफेदपोश अपराधी हैं। चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में सफेदपोश अपराधी, चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में हम सफेदपोश अपराधियों को देखते हैं कि उनका एक प्रकार से हम देखते हैं कि एक वो भी अपना एक संगठित सुनियोजित ग्रह बना लिए हैं। वो भी जिसे बीमारी कोई नहीं है, लेकिन उस बीमारी का ऐसा हवाला दे करके, ऐसी जो है कि व्यवस्था दे करके उस मरीज को ब्लैकमेल करके धन उगाही काम करते हैं।
इसके साथ हम देखते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पोस्टमार्टम भी मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, ये भी चिकित्सकीय व्यवसाय से बेहद अपराधी है। रिपोर्ट कुछ है लेकिन पैसा लेकर के रिपोर्ट को बदल देते हैं, ये भी सफेदपोश अपराधी है। विधिक व्यवसाय में सफेदपोश अपराध अधिवक्ताओं द्वारा प्रवंचना का मार्ग अपना करके विधिक व्यवसाय में भी अधिवक्ता भी सफेदपोश अपराधी होता है। कब? जब गलत तरीके से अपने क्लाइंट को इंस्टिगेट करता है, उसको आता है गलत तरीके से, उसको जो है विधि व्यवस्था के विपरीत कार्य करने के लिए अब बताने की राय देता है, वो भी सफेदपोश अपराधी है। इसके साथ हम देखते हैं सुसंगठित अपराधों की विधिक सलाह प्रदान करना, कंपनी विधि में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सफेदपोश अपराध, न्यास मूल्य संघों आदि के द्वारा सफेदपोश अपराध, लोक अधिकारियों द्वारा सफेदपोश अपराध, जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनके द्वारा सफेदपोश अपराध कैसे होता है, जैसे कि सदरलैंड महोदय ने इसके लिए बताया है कि लोक अधिकारी लोक सेवक इस अपराध में महत्वपूर्ण अपना इस अपराध के लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोक सेवक ही सफेदपोश अपराध करता है, सफेदपोश अपराध का उसको अवसर मिल जाता है, पब्लिक डीलिंग का काम है, पब्लिक डीलिंग के माध्यम से वह सफेदपोश अपराध करता है। और इसके साथ हम देखते हैं भारत में सफेदपोश अपराध के सामाजिक आर्थिक कारणों में मुख्य रूप से उन अपराधों की व्याख्या, उन अपराधों को देखते हैं जो समाज के उच्च एवं प्रतिष्ठावान व्यक्तियों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाता है, वही सफेदपोश अपराधी है। सफेदपोश और अन्य सामाजिक आर्थिक अपराधों की समाप्ति के लिए व्यापक क्रांति की आवश्यकता है। सफेदपोश अपराधी सामाजिक आर्थिक अपराधी को समाप्त करने के लिए व्यापक क्रांति की आवश्यकता से तात्पर्य है। हम देखते हैं न्यायालय में न्यायालय के समक्ष न्यायालय बैठी है कह सकते हैं, ऐसे भी जज साहब बैठे हैं और उनके आड़ में ही उन्हीं के सामने जो है कि पेशकार पैसा लेकर के तारीख दे रहा है, पैसा दे पैसे, ये भी एक सफेदपोश अपराध है। और उसमें वो संगठित हैं, उस अनलिप्त हैं, वो जान रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। एक हम ऐसे कह सकते हैं कि सफेदपोश अपराध एक सिस्टम बन गया है, एक लाइफ का एक सिस्टम बन गया है। बिना उसके जो है उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने पद का, अपने दायित्व का, अपने प्रतिभा का मुख्य रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इस तरह से देखते हैं इसके निवारण प्रभाव के लिए राष्ट्रव्यापी कल्याण के लिए तमाम तरह से भावनाओं का संचार हुआ है। राष्ट्र के छोटे छोटे व्यक्तियों के साथ सर्वोच्च शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्र कल्याणकारी और प्रवृत्ति भावना जब तक संचार नहीं होगा तब तक इस तरह की समस्याएं पैदा होंगी। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि, चिकित्सकीय, व्यवसायी, शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में इन सफेदपोश अपराधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम देखते हैं भारत में संगठित अपराध क्या है। भारत में संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध। भारत में संगठित अपराध के लिए हम देखते हैं सदरलैंड ने कहा है संगठित अपराध की अंतःक्रियाओं से बनता, संगठित अपराध वह अंतःक्रियाओं से बनता है जिसका औपचारिक संबंध मान्य नेता समझौता, परस्पर समझ और श्रम विभाजन से होता है। यह औपचारिक मान्यता परस्पर रुचि और मनोवृत्ति पर होता है। संगठित अपराध से तात्पर्य है संगठित अपराध उसे कहते हैं जो सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अंतःक्रिया के फलस्वरूप
घटित किया जाता है वो संगठित अपराध है। संगठित अपराध एक समूह में जिसमें अधिकतर व्यक्तियों की संख्या होती है। संगठित अपराध आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का एक प्री प्लान योजनाबद्ध तरीके से कोई आपराधिकार में संलिप्तता की होती है। भारत में संगठित अपराध में चोरी, लूट, चोरी की वस्तुओं का विक्रय, ठगी करना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी, तस्करी, लूटमार, अपहरण, राजनीतिक अपराध आदि आदि तरीके का अपराध सफेदपोश संगठित अपराध है। संगठित अपराध में अपराधियों के गैंग है, उस गैंग में उस गिरोह में किसी न किसी रूप में कोई व्यक्ति कहीं न कहीं से सहभागी होता है, वह संगठित अपराध का एक भाग होता है, वही संगठित अपराध कर रहा है, इसको कहते हैं संगठित अपराध है। संगठित अपराध से तात्पर्य फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा अपराध है जिसको लोग कई लोगों के समूह द्वारा, कई लोगों संगठन द्वारा किया अथवा कराया जाता है, वो संगठित अपराध कहते हैं। इस तरह से आप इसको सफेदपोश अपराध और संगठित अपराध दोनों एक या दूसरे के रिलेटेड कोरिलेटेड हिंसावर्ती हैं। जहाँ सफेदपोश अपराध है उसमें कहीं कहीं संगठित अपराध की भी भावना हमें मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सफेदपोश अपराध और संगठित अपराध में मुख्य रूप से उन लोगों का औचित्य होता है जो आपराधिक प्रवृत्तियों में किसी न किसी रूप में सम्मिलित अथवा लिप्त होते हैं। इस प्रकार से भारत में सफेदपोश अपराध के बारे में आपको परीक्षा पूछा जाएगा। भारत में सफेदपोश अपराध के कारण, भारत में सफेद अपराध के स्वरूप और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सफेदपोश अपराध का प्रभाव, एक लेख टाइप का आपको लिखना है। ये आपको एग्जाम के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से आपको अपराध शासन क्रिमिनोलॉजी में अवश्य पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। जैसा कि आप विधि के विद्यार्थी हैं, आप इस बात को जानते रहिए, भारत में सफेदपोश अपराध का महत्व पर एक लेख आपको लिखना है जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखना है। सफेदपोश अपराध के कारण, सफेदपोश अपराध का स्वरूप, सफेदपोश अपराध का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और रोकथाम के उपाय, ये सारी चीज़ों को आपको सफेदपोश अपराध में लिखना है, आपको ये परीक्षा पूछा जाएगा। इसी के साथ पुनः जो है अब अगला चैप्टर आपका शुरू होगा। अब आपको थैंक यू, धन्यवाद।